Good morning everyone. So today is my next video on the topic of secondary market and distinguish between primary and secondary market. Students, we have already gone through my previous video of primary market and its instruments. So today we'll be discussing about the secondary market. कैपिटल मार्केट दो मार्केट में डिवाइडेड है. प्राइमरी जिसको हम बोलते हैं न्यू इशू मार्केट, मतलब न्यू स्टॉक या फिर न्यू शेयर्स या फिर न्यू सिक्योरिटीज मार्केट में लॉन्च होती है, कंपनी जो देती है. देन व्हाट इज द सेकेंडरी? सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी जो शेयर्स या जो सिक्योरिटीज मार्केट में लिस्ट कर चुकी है कंपनी, अब एक इन्वेस्टर के पास में है. सपोज दैट इज विद मी, वो शेयर्स मैंने परचेज किए बट आई वॉन्ट टू ट्रेड. अब मैं उसको खरीदना या फिर बेचना कुछ भी टर्म्स पे करना चाहता हूँ. इन दैट केस द नीड ऑफ ए मार्केट इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट. इस मार्केट के अंदर इसका नाम बोला जाता है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज मार्केट. सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी शेयर्स मार्केट में होते हैं जिसके पास इन्वेस्टर के पास में, और उसी इन्वेस्टर को कुछ बाय करना है या कुछ सेल करना है इस मार्केट के अंदर, तो इसलिए उसका नाम रखा गया सेकेंड हैंड सिक्योरिटी मार्केट. और ये मार्केट प्ले करती है इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में, विच मींस एक ऑलरेडी इन्वेस्टर है जो एग्जिस्टिंग जो पहले से चल रहा है, एक कोई दूसरा इन्वेस्टर है जिसको परचेज करते हैं. तो बाइंग एंड सेलिंग जो चलता है वो सिर्फ दो इन्वेस्टर के बीच में है, इसमें कंपनी का रोल प्ले नहीं होता. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सेकेंडरी मार्केट. लेट्स गो थ्रू दिस द टॉपिक वाइज, विच मींस सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटी. प्रीवियसली इशूड मतलब जो पहले से इशू कर चुकी है प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी में वो शेयर्स हमारे पास में आ गए, अब हम उसको बेचना चाहते हैं तो कोई खरीदने वाला है, व्हिच मींस दिस इज अ मार्केट ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज जो पुराने टर्न्ड एज सेकंड हैंड सिक्योरिटीज मार्केट. इसको सेकंड हैंड सिक्योरिटी बिकॉज क्योंकि वो शेयर्स नए नहीं है, वो सिक्योरिटीज नई नहीं है, व्हिच मींस दैट आर नॉट न्यू, दैट आर प्रीवियसली, दैट आर सेकंड हैंड सिक्योरिटीज जो पहले से मार्केट में एग्जिस्ट कर रही थी. द थर्ड पॉइंट इज नो डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी. कंपनी इसको कोई भी डायरेक्टली इशू नहीं करती. कंपनी सिर्फ प्राइमरी मार्केट के अंदर ही अपने सिक्योरिटीज इशू करती है. सेकेंडरी मार्केट के अंदर किस किस के बीच में प्लेड होता है? ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर था जिसके पास में पहले से शेयर थे, इसने परचेज करने थे, विच मीन्स इस मार्केट के अंदर एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर के बीच में बाइंग एंड सेलिंग चलती है, ट्रेडिंग चलती है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड हैंड मार्केट बोलते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन नीड ऑफ कैश, सो बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस. इस पॉइंट का मतलब है फॉर एग्जाम्पल इस इन्वेस्टर को कैश की जरूरत, इसके पास में एक्सेस कैश है, ही वांट टू परचेज समथिंग, और इस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास में कैश की रिक्वायरमेंट है बट इसके पास में शेयर्स है. इसने क्या किया? सेकेंडरी मार्केट के अंदर शेयर्स बेच दिए, इसने परचेज कर लिए. नाउ द कैश हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टर. मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने बेचे और दूसरे पर्टिकुलर पर्सन ने खरीद लिए, तो जिसको कैश की रिक्वायरमेंट थी उसको कैश मिल गया और उसने क्या कर दिया, अपने शेयर्स या अपनी सिक्योरिटीज सोल्ड आउट कर दी इस मार्केट के अंदर. सो दिस मींस इट इज अ मार्केट व्हिच हेल्प्स With the help of a broker, ये broker या intermediary की जरूरत पड़ती है इस market के अंदर, because secondary market already is very scattered in a particular area, बहुत ज़्यादा scattered है, इसलिए इसका नाम रखा गया stock exchange. Stock exchange इसका नाम रखा गया है, और stock exchange या secondary market work करती है with the working organs. Working organs कौन है? SEBI registered brokers हैं. वो brokers या intermediaries के through हम secondary market के अंदर एक investor दूसरे investor के through trading कर सकता है, which means buying and selling of the security. So this was a concept of secondary market. Now moving ahead towards the differentiation chart of primary and secondary to give a brief about both the topics. So let us go through the basis and the difference. Basis number one is the particular securities. Kis tarah ki securities mein trade hoti hai? This is the primary wing and this is the secondary wing market. So primary ke andar hume pata hai jab naye shares hote hain market mein, isliye kaun se shares trade honge? New securities, which means fresh issue of the securities, fresh nice shares. On the other hand, secondary market के अंदर second hand जो हमने अभी पढ़ा था, जो already market में थे, वो अब इस market में आके क्या हो गया? Second hand market हो गया. It means second hand securities are being traded in the secondary market. Second point is issued by. कौन securities issued करता है? In the primary market, we know that the company first time issue the securities. तो company issue करती है इसके अंदर. But यहाँ पे कौन issue कर रहा है? एक इन्वेस्टर इशू कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है दूसरे इन्वेस्टर्स को, विच मींस ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस बिटवीन इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स मतलब कौन इशू कर रहा है? एक इन्वेस्टर दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है अपनी सिक्योरिटीज. सो विच मींस इट इज नॉट द रोल प्लेड ऑफ द कंपनी, रादर इट इज द रोल प्लेड ऑफ द इन्वेस्टर्स. थर्ड पॉइंट, कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन
प्राइमरी मार्केट के अंदर डायरेक्टली होती है, बिकॉज इस इन्वेस्टर ने सारे के सारे जो सिक्योरिटीज परचेज करनी थी तो इसका कैश कहाँ ट्रांसफर हो गया, कंपनी के पास में, कंपनी का कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली हुआ, विच मीन्स कंपनी का डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन हुआ तो कल को ग्रोथ एक्सपेंडिचर करेगा तो इसका कैपिटल भी बढ़ जाएगा। सेम वे बट इन सेकेंडरी मार्केट कंपनी का कोई रोल प्लेड नहीं है, विच मीन्स यहाँ पे कौन है, एक इन्वेस्टर है और यहाँ पे दूसरा इन्वेस्टर है, इस इन्वेस्टर और इस इन्वेस्टर के बीच में ही सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड बोलेंगे टू सरप्लस यूनिट्स। सरप्लस क्यों, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स कौन सा है, सरप्लस यूनिट्स है, यहाँ पे कौन है, सरप्लस और डेफिसिट यूनिट्स है, डेफिसिट मतलब कंपनी के बीच में, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होता है, सिर्फ सरप्लस यूनिट्स का होता है क्योंकि दोनों इन्वेस्टर्स हैं यहाँ। फोर्थ पॉइंट इज एंटर, कौन इसके अंदर एंट्री कर सकता है, प्राइमरी मार्केट के अंदर ऑल द कंपनीज कैन एंटर इनटू दिस मार्केट, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस, कोई भी कंपनीज के अंदर एंटर कर सकती है, बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के लिए ओनली दैट कंपनीज कैन कम इनटू सेकेंडरी मार्केट व्हिच आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, जिनका नाम ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिर्फ वही सेकेंडरी मार्केट में आ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज जियोग्राफिकल लोकेशन, प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, विच मीन्स इट डज नॉट हैव अ फिक्स लोकेशन, इट इज नॉट लाइक फिक्स प्लेस, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी मार्केट द स्टॉक एक्सचेंजेस आर फिक्स्ड एट पर्टिकुलर प्लेसेस लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज एंड मल्टीपल, देयर आर मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया विच आर फिक्स्ड इन नेचर, जहां पे हम ट्रेडिंग और बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। द लास्ट पॉइंट इज ऑफ द डिफरेंशिएशन इज प्राइस, हु सेट द प्राइस, इन प्राइमरी मार्केट द सिक्योरिटीज प्राइस, जो भी सिक्योरिटीज का प्राइस है आर सेट बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी को डिसाइड करती है कि उनके सिक्योरिटीज का प्राइस क्या हो जॉट डाउन करेंगे, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी मार्केट इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द कंपनी, रादर दैट इज डिसाइडेड और डिस्कवर्ड बाय द टू फैक्टर्स एंड दैट फैक्टर्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज, कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है उसी के रेशियो के अंदर आते हुए आज का प्राइस रिनोट होगा, विच मीन्स ओनली टू फैक्टर्स कैन डिसाइड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज। सो दिस वॉज द जस्ट ऑफ secondary market and the distinction between primary market and secondary market. Thank you so much. Do visit my next video on the further topics. Thank you so much.